तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी सीओडी को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीओडी क्या होता है और इस सीओडी वैल्यू से हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। यानी कि हम लोग सीओडी वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वाटर हमारा प्योर वाटर है या पॉल्यूटेड वाटर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि सीओडी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और इसमें यह भी देखेंगे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे टेस्ट किया जाता है कि कितना हमारा केमिकल का इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, कितना केमिकल हम लोग को डालना पड़ेगा जिससे हमको सफिशियंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और उस ऑक्सीजन से इस पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी क्या होता है। तो देखिए, सीओडी एक तरफ से वाटर का क्वालिटी चेक करने का एक मेथड होता है जिससे हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वाटर का क्वालिटी कैसा है, यानी कि वाटर हमारा प्योर वाटर है या पॉल्यूटेड वाटर है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बीओडी के बारे में डिस्कस किए थे, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में डिस्कस किए थे। तो बीओडी भी एक तरफ से क्या है, वाटर का क्वालिटी प्रिडिक्ट करने का एक मेथड है, वैसे ही हमारा सीओडी भी है। तो बीओडी में हम लोग देख रहे थे कि जो पानी हम लोग का है, देखिए एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में हम लोग पॉल्यूटेड वाटर रखे हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि पानी के अंदर जो हमारा पॉल्यूटेड है, यानी इसके अंदर क्या है, बहुत सारा इंप्यूरिटीज है। तो इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी हो सकता है, बायो वेस्ट भी इस पानी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो बीओडी वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या कर रहे थे, पानी के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन था या बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड करके इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा था, डिकम्पोज कर रहा था, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था। लेकिन हमारा पानी के अंदर बायो वेस्ट और इनऑर्गेनिक जो इंप्यूरिटीज है अभी भी प्रेजेंट रहता था, ठीक है। तो इन इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल यहां पे ऐड करते हैं जिसके चलते पानी के अंदर जो ये तीनों इंप्यूरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर से रिमूव हो जाता है। तो इस पानी में हम लोग कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो इसमें हम लोग मेनली डालते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2 डाइक्रोमेट हो गया, यानी O7। तो हम लोग इसके अंदर जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो इस रिएक्शन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा इस केमिकल रिएक्शन से वो क्या करेगा, जो भी पानी के अंदर इंप्यूरिटीज है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यानी कि कैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखे हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही ये क्या करेगा, एसिडिफाइड यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देता है। तो देखिए, केमिकली रिएक्शन करने के बाद ये क्या फॉर्मेशन करता है, तो देखिए ये जो हमारा पोटेशियम है इस सल्फेट के साथ मिल करके क्या बना देगा, पोटेशियम सल्फेट बना देगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्रोमियम है ये भी सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम सल्फेट बना देता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, H2 बचा, यहां से O लेकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा, यानी वाटर बना देगा। अब इसके पास क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो इसको हम लोग केमिकली बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 4SO4 हो गया यानी कि सल्फेट हो गया, तो एक ये हमने लिया और यहाँ पे हमारा 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो इसके साथ 4 ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी इसमें से 4 ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3, यानी कि 3O। यानी कि जब हम लोग पानी के अंदर ये डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फेट, 4 टाइम्स सल्फेट इसके डालेंगे, तो ये क्या करेगा, 3 टाइम्स हमारा रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस तरह से इस रिएक्शन के बाद हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और ये जो ऑक्सीजन है इस पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, यानी उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जितना इसके अंदर इंप्यूरिटीज होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर केमिकल ऐड करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको इसके अंदर हम लोग डालेंगे, जिससे हमारा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और इस पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो हमारा ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे सीओडी का मतलब क्या हो गया, कि
देखिए सीओडी का मतलब हो गया कि किसी भी वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम करने का कैपेसिटी कितना है, यानी कि ये ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करेगा, जितना इसके अंदर इंप्यूरिटीज होगा उतना ही कंज्यूम करेगा। तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम करने का कैपेसिटी कितना है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, बाई केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस करेंगे बाई यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी केमिकल रिएक्शन से जो हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और उस ऑक्सीजन को पानी कितना अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए बीओडी में हम लोग क्या देखे थे कि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे यानी कि बैक्टीरिया थे, ये क्या कर रहा था, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है इसको डिकम्पोज कर रहा था, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा था, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था उससे ले लेता था या बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा था, इसीलिए हम लोग इसको बीओडी बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग पानी के अंदर तीनों इंप्यूरिटीज को यानी कि जितने भी इंप्यूरिटीज है उसको अगर ऑक्सीडाइज करना है उसके लिए हम लोग यहां पे केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उम्मीद करता हूं ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, सीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है इस वेस्ट वाटर के अंदर हम लोग कितना डालेंगे कि पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को इसके अंदर डाल दिए तो जब डालेंगे तो ये तो इंप्यूरिटीज को रिमूव करेगा। तो मान लीजिए कि हमारा इतना डाल दिए कि इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया, उसके बाद भी हम लोग एक्सेस अमाउंट में ये वाला डाल दिए तो इस पानी के अंदर ही मौजूद रहेगा। तो हम लोग एक्सेस अमाउंट में ना डाले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मेनली दो मेथड से इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो है ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक का मतलब होता है एकदम खाली, यानी कि ऐसा पानी लेंगे जिसके अंदर बिल्कुल भी इंप्यूरिटीज नहीं होगा। जैसे कि हमारा डीमिनरलाइज्ड वाटर है उसके अंदर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटीज मौजूद नहीं रहेगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर में ये केमिकल को डालेंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, डीएम वाटर डालेंगे। तो देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है 20 ml हम लोग डीएम वाटर डालेंगे और इस डीएम वाटर में हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि जो हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको डालेंगे। तो जैसे हम लोग डालेंगे तो देखिए यहां पे हम लोग 20 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो इस पानी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, तो ये ऑरेंज कलर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पानी के अंदर हमारा इंप्यूरिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है, अगर डीमिनरलाइज वाटर है यानी इसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटीज नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि हमारा अगर 20 ml डालेंगे तो 20 ml हमारा इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट विदाउट कोई रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये अनरिएक्टिव रहेगा, क्योंकि यहां पे हमारा कोई इंप्यूरिटीज नहीं है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफाइड करना है तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम लोग 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे और इसके अंदर हम लोग कुछ अमाउंट में HgSO4 यानी कि मरकरी सल्फेट एंड हम लोग सिल्वर सल्फेट भी डालते हैं। तो मरकरी सल्फेट और सिल्वर सल्फेट डालते हैं इसको और भी इफेक्टिव रिएक्शन करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए कि कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले डीएम वाटर यानी कि डीमिनरलाइज वाटर यानी कि ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटीज मौजूद नहीं होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिए और इसके बाद हम लोग इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिए। तो पानी के अंदर ये जैसे मिलेगा तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि पानी के अंदर कोई भी इंप्यूरिटीज नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ अमाउंट में मरकरी सल्फेट एंड सिल्वर सल्फेट इसके अंदर डाल दिए। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक करके यानी कि यहां पे हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसको हम लोग सीओडी डाइजेस्टर में रखेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सीओडी डाइजेस्टर यानी कि ये डाइजेस्ट करेगा। तो इस केमिकल सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है इसको हम लोग सीओडी डाइजेस्टर में रखेंगे जहां पे जो टेंपरेचर हम लोग मेंटेन करेंगे वो कितना होता है, तो 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग वहां पे सीओडी डाइजेस्टर में मेंटेन करते हैं और इसको 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो जब 2 घंटे बाद हम लोग इसको बाहर निकालेंगे यानी ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा इसके अंदर हम लोग यहां से फेरोन इंडिकेटर डालते हैं। जैसे ही इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर फेरोन इंडिकेटर का 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो अभी ऑरेंज है तो ऑरेंज से ये ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहां पे फेरोन इंडिकेटर 4-5 ड्रॉप डालेंगे तो इसका जो ऑरेंज कलर था वो अब ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में हम लोग यही मतलब अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट
क्रोमेट है, इसके अंदर इसका जो कंजप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हम लोग का पानी है वो क्या है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है। तो देखिए इस कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका क्वांटिटी अभी क्या है, फुल है, यानी कि जितना हम लोग डाले हैं उतना ही है, 20 ml डाले हैं तो 20 ml अवेलेबल है। तो इसको कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए, यानी कि कंप्लीटली यहां से रिएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक केमिकल ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं FAS, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट इसके अंदर तब तक डालेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो उसको फेरस अमोनियम सल्फेट का डालने के लिए हम लोग इसका क्वांटिटी रीडिंग करते रहते हैं कि कितना क्वांटिटी का FAS इसके अंदर हम लोग डालें। तो उसके लिए हमारे पास एक ब्यूरेट होना चाहिए। तो देखिए हमारा ब्यूरेट कुछ इस टाइप से अपीयर होता है, ठीक है। तो ब्यूरेट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ये ऐसे रहता है कि हम लोग कितना डालते हैं और यहाँ पे इसका रीडिंग रहता है। वैसे ही इस ब्यूरेट का नीचे से ओपन करेंगे तो यहां से क्या होगा, के अंदर हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है वो क्या होगा, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आएगा। तो जैसे ही इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आएगा तो इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। तो इसका कलर हमारा पहले क्या था, ग्रीनिश ब्लू था, तो ये हमारा वाइन कलर का जो रेड होता है ना, यानी कि शराब का जो कलर रेड होता है, वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू से वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाइन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये जो FAS सॉल्यूशन है इसको स्टॉप कर देंगे और इसका रीडिंग देख लेंगे कि ये कितना लेवल तक नीचे आ करके ये स्टॉप हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हम लोग FAS सॉल्यूशन जैसे इसके अंदर डाले हैं तो ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके साथ रिएक्शन किया है और इसको कंप्लीटली मतलब रिएक्टिव कर दिया, कंप्लीटली यहां से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो कंजप्शन है कितना हुआ है, कितना FAS सॉल्यूशन इसके अंदर डालने पे इसका कलर कन्वर्ट हुआ है, इसको हम लोग रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पे हम लोग 25 ml अगर FAS सॉल्यूशन डाले हैं तब जाके हमारा जो इसका कलर है वो चेंज हुआ है। तो इस 25 ml को हम लोग V1 मान लेते हैं, यानी कि ब्लैंक टाइट्रेशन, यानी कि जो हम लोग का DM वाटर है उससे टाइट्रेशन किए तो हमारा FAS सॉल्यूशन कितना लग रहा है, तो 25 ml लग रहा है, इसको आप V1 मान लीजिए। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ब्लैंक टाइट्रेशन हो गया, अब हम लोग इसका सैंपल टाइट्रेशन करेंगे, यानी जिस पानी का हम लोग को टेस्ट करना है उस पानी से हम लोग क्या करेंगे, यहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे और यहां पे डीएम वाटर के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सैंपल वाटर ले लेंगे, ठीक है। सैंपल वाटर यहां पे डालेंगे, उसके बाद आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, ये सब डालेंगे और इसको फिर से आप डाइजेस्टर में डाल देंगे, सीओडी डाइजेस्टर में 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो इसको फिर से बाहर निकालेंगे और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर फिर से आप क्या करेंगे, यहां पे हम लोग का फेरोमोन इंडिकेटर 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे तो इसका जो कलर है ऑरेंज से फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रीनिश ब्लू में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद हम लोग यही प्रिडिक्ट करेंगे कि देखिए अभी क्या होगा कि अगर हम लोग इसमें सैंपल में डाल रहे हैं, सैंपल वाटर डाल रहे हैं, यानी इसके अंदर हमारा इंप्योरिटीज मौजूद है, तो हम लोग का जो 20 ml मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह डाले हैं, ठीक है। तो ये 20 ml यहां पे अब नहीं बचा रहेगा बल्कि इसके अंदर हमारा इसका जो क्वांटिटी है वो कम होगा। तो ये कितना कम होगा इसको तो हम लोग को नहीं पता है। तो मान लीजिए हम लोग 20 ml यहां पे हम लोग डाले हैं तो इसमें से हमारा कुछ ना कुछ कम होगा, तो मान लीजिए एक्स अमाउंट में, यानी कि हमारा 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना इस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होगा उतना इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करेगा, यहाँ पे कंजप्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा। तो मान लीजिए कि एक्स अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहां पे हमारा कंजप्शन हुआ, यानी कि यहां पे ऑक्सीडाइज करने में यूज हुआ और रिमेनिंग जो भी बचा, यानी कि 20 माइनस एक्स करेंगे, यानी कि कंजप्शन के बाद जो भी बचा वो इस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल रहेगा। अब इस ये भी जो भी हमारा रिमेनिंग बचा है इसको क्या करेंगे, यहां से कंप्लीटली रिएक्टिव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं, तो फेरस अमोनियम सल्फेट डालते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्यूरेट से पहले मान लीजिए अभी हमारा रीडिंग यहां पे आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहां से अब खोलना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से जैसे खुलेगा तो इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम लोग इसका कलर चेक करते रहेंगे। तो अभी हमारा ग्रीनिश ब्लू कलर में है, तो जैसे ही इसका वाइन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे और यहां का रीडिंग देख लेंगे कि यह कितना मतलब यहां से हमारा FAS सॉल्यूशन का क्वांटिटी लगा है इसको कलर कन्वर्ट करने में, यानी ग्रीनिश ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट करने में कितना इसका क्वांटिटी लगा है। तो जाहिर बात है कि जो हम लोग का पहले, यानी कि जो हम लोग का डीमिनरलाइज्ड वाटर का जब हम लोग यूज कर रहे हैं उससे इसके अंदर कम ही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ अमाउंट में जो हम लोग का पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो यहां पे कंजप्शन हो गया है, यानी कि अभी हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो कम क्वांटिटी में इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहां पे नॉर्मली देखा जाता है, तो मान लीजिए यहां पे आपको मिला है 24 ml मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे V2, ये जो ऐसे हम V1 लिखे है ना, तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे V2 equal to 20
4ml, ठीक है। तो आपके पास दो चीज आ गया, यानी कि प्योर वाटर में हमारा FAS सॉल्यूशन कितना लगा है और हमारा जो वेस्ट वाटर है इसके अंदर हमारा FAS सॉल्यूशन कितना लगा है। तो यहां पे आपको V1 और V2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि COD का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि COD इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको COD कैलकुलेट करना है यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि V1 यानी कि जो हम लोग का FAS सॉल्यूशन का जो कंजप्शन हुआ है फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लैंक वाटर यानी कि डीमिनलाइज वाटर का माइनस कर देना है V2 से, यानी कि जो सैंपल वाटर के दौरान हम लोग का जो FAS सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लगा है वो, और इनटू कर देना है नॉर्मलिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू कर देना है 8 × 1000, ठीक है, और डिवाइड करना है आपको किससे, तो जो हम लोग सैंपल यूज किए हैं यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका COD आ जाएगा, ये आता है हमारा मिलीग्राम पर लीटर आता है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो V1 हमारा कितना है अभी 25 है, माइनस V2 कितना है 24 है, 24 लिख दीजिए, और नॉर्मलिटी ऑफ FAS का जब हम लोग निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो 0.025 आता है, तो इंटू 0.025 और इंटू कर देना है 8 से और इंटू कर दीजिए आप 1000 से और डिवाइड किससे कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है 20 ml है, तो आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 25 × 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा 200 यानी कि 0.2 हो जाएगा, 0.2 × 1000 यानी कि 200 हो जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 200 × 1 यानी कि 200 हो जाएगा, और 200 / 20 यानी कि इसको जब आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, तो ये 10 mg पर लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 10 mg पर लीटर आया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा इम्प्यूटीज है वो कम है, तो जैसे हमारा इसका जो क्वांटिटी बढ़ेगा 10 से अगर मान लीजिए 30 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया, यानी कि जैसे जैसे हम लोग का इसका जो क्वांटिटी है COD का क्वांटिटी है अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि इस पानी के अंदर हमारा जो इम्प्यूटीज है ये सब जो इम्प्यूटीज है वो ज्यादा है। अगर हमारा COD का वैल्यू कम आ रहा है इसका मतलब कि इस पानी के अंदर जो हमारा इम्प्यूटीज है वो बहुत ही कम है। इस तरह से COD को कैलकुलेट करके हम लोग वाटर का क्वालिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर COD का वैल्यू ज्यादा रहे यानी कि ये जो पानी है इसके अंदर लार्ज अमाउंट में इम्प्यूरिटीज मौजूद है यानी कि पॉल्यूटेड वाटर है, अगर COD का वैल्यू कम आ रहा है यानी कि इस पानी के अंदर हमारा इम्प्यूरिटीज कम है यानी कि ये पानी हमारा फ्रेश वाटर है। तो उम्मीद करता हूं आपको COD कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। V1 V2 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, V1 हमारा पहले हम लोग फ्रेश वाटर यानी कि जो डीमिनलाइज वाटर है उससे हम लोग एक सैंपल को टाइट्रेट करते हैं, उसके बाद जो हमारा सैंपल वाटर है उसको टाइट्रेट करके हम लोग V1 V2 फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है, COD को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, COD से कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं और COD को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पाप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।